हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक ऑन माई YouTube चैनल सो नेम इज दीक्षा एंड मैं एक नई प्लेजिट शुरू कर रही हूँ आज से दैट इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड लीडर्स जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया तो उनमें से क्या होता है 1857 तक की बात तो हम सभी करते हैं बट उनसे जो पहले के फ्रीडम फाइटर्स थे वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं तो अभी जनवरी के अराउंड क्या होता है पी जी रानी वेलू जी को ट्रिब्यूट करते हैं जो भी उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा टू द फ्रीडम स्ट्रगल तो दैट्स वाई वाज इन न्यूज और ये बन जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जो रानी वेलू नशियार हैं इनको एक और टाइटल दिया गया है दैट इज वीरम गई वीरम गई इनको एक नया दूसरा टाइटल दिया गया है जो कि तमिल वर्ड है वीरम गई तमिल वर्ड है और इसका मतलब होता है ब्रेव

मैं एक साइड में मैप ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज गुजरात वाला एरिया ये वेस्टर्न आ गए और यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया आ गया तो हम सिर्फ तमिलनाडु तक ही लिमिट है अभी क्योंकि हम तमिलनाडु की ही बात करेंगे तमिलनाडु में दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है एक ये वाला एरिया एक ही ये वाला एरिया यहाँ पे आपकी पड़ेगी शिव गंगा डायनेस्टी जिसको शिव गंगा डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है और ऊपर पड़ेगा आपका दिंदी ठीक है चलो नेक्स्ट पेज पे दोबारा से बता दूंगी बट ये दो चीजें आपको याद रखनी है फिर हम स्टार्ट करेंगे अब रानी वेलू नशिया की क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रही सो so स्टार्ट करते हैं क्या होता है जो आपकी शिव गंगा डायनेस्टी होती है शिव गंगा डायनेस्टी का नाम जो था ये शिवगंगा जी के ही ऊपर पड़ा हुआ था इसको शिव गंगा एस्टेट भी बोल दिया जाता था क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना वो मार देते हैं शिव गंगा को इनको मार देते हैं और इस एरिया को कर लेते हैं कॉन्कर अब इन्होंने ये एरिया कॉन्कर कर लिया अब जो शिव गंगा जी की वाइफ थी या क्वीन थी जिनका नाम था वेलू नशियार। अब ये विडो हो जाती हैं, तो इनको अपनी जान भी बचानी थी और साथ में अपना जो डायनेस्टी थी वो भी वापस लेनी थी तो ये क्या करती हैं 1773 में ये हादसा होता है तो 1773 में ही ये इस एरिया को छोड़ के चली जाती हैं कहाँ दैट इज इन देंदी गुल जो मैंने अभी आपको दो एरियाज बताया ना नीचे शिव गंगा डायनेस्टी और ऊपर देंदी गुल तो वहां चली जाती हैं और वहां पे जो रूलर होते हैं वो होते हैं हायदर अली तो उनके अंडर रहती हैं थोड़े टाइम तक क्यों रहती हैं यहाँ पे ये बनाती हैं अपनी बहुत स्ट्रांग आर्मी और साथ में अलायंस कर लेती हैं किस किस के साथ दैट इज हैदर अली और एक और थे जिनके साथ ही अलायंस बनाते हैं वो थे गोपाला नायकर गोपाला नायकर एंड हैदर अली के साथ ये अलायंस बना लेती हैं और इनकी जो आर्मी है जब इनको 1780 में रियलाइज होता है कि अब मेरी आर्मी बिल्कुल रेडी है टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर तो वो एक कैंपेन लॉन्च कर लेती हैं कि बस इस ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स को अब क्या करना है बाहर निकालना है ठीक है तो इन्होंने फर्स्ट ये माना जाता है कि ये फर्स्ट ऐसी लेडी थी जिन्होंने ये वॉर शुरू करी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट्स वाई इनको एक टाइटल भी दिया गया दैट इज विरम गई तो विरम गई का तमिल वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ब्रेव विमेन अब जीत भी जाती हैं ये ठीक है अपने एरिया को वापस कॉन्कर भी कर लेती हैं तो विक्टोरियस विक्ट्री इनको इमर्ज होकर आती है अब जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें रानी जी के बारे में स्पेशली याद रखनी है तो ये काफ़ी ट्रेंड थी बहुत सारी चीज़ों में तो ऐसे लिख दो ट्रेंड इन वॉर मैचेस उसके अलावा वलारी मार्शल आर्ट्स होती हैं ये मार्शियल आर्ट्स में भी ये बहुत ज्यादा एमिनेंट थे जैसे वलारी हो गया आपका सिलंबम हो गया सिलंबम में क्या होता है स्टिक के साथ फाइट करी जाती है तो इसमें भी ये एमिनेंट थे साथ में ये हॉर्स राइडिंग में बहुत एमिनेंट थी और इनको आर्ट्री भी बहुत अच्छे से आती थी साथ में ये तो हो गया जो इनको वैपिन वाले एरिया में जहाँ पे ये अमिनेंट थे अब इसके साथ साथ एक और चीज थी कि ये स्कॉलर भी बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी एडुकेशन इन्होंने ले रखी थी और इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी हम आज के टाइम पे लैंग्वेजेस के लिए लड़ रहे होते हैं और इनको देखो कितनी लैंग्वेजेस आती थी शी वॉज अवेयर अबाउट फ्रेंच इंग्लिश उर्दू ठीक है अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इनको फ्रेंच इंग्लिश और उर्दू का भी नॉलेज था सो दिस इज दीज फैक्ट्स दैट वर इंपॉर्टेंट अबाउट द रानी वेलू नशिया इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज बहुत टाइम के बाद या ये कह लें कि पहली बार ही न्यूज़ में आया है सो इट बिकम इंपॉर्टेंट सो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और जो लीडर्स वाले टॉपिक हैं वो यहीं पे आते जाएंगे आई होप आपको मजा आया होगा मैंने जितना इजी फॉर्मेट में इसको समझाने की ट्राई करी है इसके बेसिस पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बिकॉज एक स्टोरी फॉर्मेट था सो so, अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा अगेन विद न्यू पर्सनैलिटी द न्यू लीडर तो वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में सो so इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें टिल देन बाय टेक केयर एंड थैंक यू